Good morning, my students of class 9th. Today is 24th January 2022. I am teaching you about work. In the last chapter, I have given you <coughs> the introduction about work, energy, and power. So, today I will take the work in detail. आप देखते हैं हमेशा कोई न कोई काम आदमी करता है चाहे फर्श की क्लीनिंग हो चाहे टाइपिंग हो चाहे हॉर्स कार्ड को खींच रहा हो किचन में बहुत सारे काम होते हैं सेल्समैन दुकान में सामान बेचता है मेड सर्वेंट जो होती हैं घर की साफ सफाई करती हैं तो बहुत सारे प्रकार के वर्क होते हैं आप भी आते हो स्कूल बाइ ले करके पीठ पे टांग करके आते हो वो भी एक तरह का कार्य हुआ तो कोई भी कार्य करने में क्या लगती है हम खाना क्यों खाते हैं हम मीठा खाते हैं हम ऑयल खाते हैं घी खाते हैं हम सब्जी खाते हैं क्यों खाते हैं जिससे हम काम कर सकें खाने से क्या होता है हमको क्या मिलता है हमको ऊर्जा मिलती है हमको एनर्जी मिलती है एनर्जी किसी दिन आप व्रत रहें तो आप देखिए लगता है कि आपके शरीर में जान नहीं है आपके पास एनर्जी नहीं है तो एनर्जी के लिए हम भोजन करते हैं मशीनों से भी काम होता है मशीन भी काम करती हैं उनको भी एनर्जी चाहिए तो उसके लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ती है तभी मशीनें काम करती हैं तो एनर्जी इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू डू एनी वर्क अब कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी से ही नहीं होगा हमें फोर्स भी लगाना पड़ेगा फोर्स विदाउट फोर्स यू कैन नॉट डू एनी अगर आप फर्श को साफ कर रहे हो फर्श को साफ कर रहे हो तो क्या हो है? यहां पर भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी तभी फर्श साफ होगा आपके अंदर एनर्जी होगी और आप फोर्स लगाओगे बल लगाओगे तभी ये पोछा चलेगा तो फोर्स इसकी आवश्यकता होती है और फोर्स लगाने से क्या होता है ये आगे बढ़ता है ये चीज जो है आगे बढ़ती है तो अब देखिए अब हम वर्क के बारे में बताते हैं वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन कोई काम हुआ है इसको इसका हमें पता कैसे चलता है क्योंकि वहाँ पर वर्क इज डन वेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन जो हम यहाँ पर बल लगा लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं और इससे ये पूछा यहाँ से यहाँ तक आ गया यहाँ तक आ गया ये सपोज करो यहाँ तक आ गया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हमने फोर्स लगाया और ये जो मॉप है ये आगे बढ़ा इसमें मोशन पैदा हुआ इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट यस से रिप्रेजेंट करते हैं तो जब फोर्स लगता है इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है यस yes, तभी हम कहते हैं कि वर्क हुआ है वर्क हैज बिन डन अब देखिए वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स वर्क डन बाय फोर्स इस फोर्स के द्वारा कार्य हुआ है ये किस पर डिपेंड करेगा पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने ताकत कितनी लगाई फोर्स कितनी लगाई और दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट कितना इसमें मूवमेंट हुआ जितना फोर्स लगाएंगे उतना इसमें मूवमेंट होगा और फोर्स के ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इसलिए यहां लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच

मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम डिनोट करते हैं डब्लू से और फोर्स को एफ से डिस्प्लेसमेंट को यस से डब्लू इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी डिफिनेशन आप देख लो क्या हुआ वर्क डन वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट मूव बाई द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क किस पर डिपेंड करेगा फोर्स लगाने पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मल्टीप्लाइड बाई उस ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यही इसकी डिफिनेशन हुई वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यही इसकी डिफिनिशन हुई। अब यहां हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है वर्क की यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन आंसर रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को मीटर से तो इसका न्यूटन और इसका मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नियम हो जाएगा वर्क की यूनिट क्या हो गई न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर अब यहां पर न्यूटन मीटर को हम क्या करते हैं जूल बोलते हैं जे ओ एल ई जूल क्योंकि जूल ही वॉज ए साइंटिस्ट और इनको सम्मान देने के लिए हमने इनके नाम का ही इस्तेमाल कर लिया कि न्यूटन मीटर न कहकर इसको हम कहते हैं जूल वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू वन जूल अब देखिए यहां वर्क इज इक्वल टू जूल जिसकी यूनिट है और वर्क की डिफिनेशन के अनुसार से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अब देखिए वन जूल वर्क अगर वन जूल हम कहेंगे इसका मतलब वन न्यूटन फोर्स लगा और वन मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ सेम चीज़ है ए और ये सही है चाहे हम न्यूटन मीटर बोलें यस सही यूनिट ऑफ वर्क यूनिट जो है चाहे न्यूटन मीटर बोलें, न्यूटन मीटर या हम जूल बोलें। अब यहां आप देखिए वन जूल इज इक्वल टू मान लीजिए वन जूल है वर्क इसका मतलब वन न्यूटन हमने फोर्स लगाया वन मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी को डिनोड बाई जे इसी को कहते हैं जूल अब एक चीज यहां देखने वाली है कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि हम जिधर फोर्स लगाते हैं उस दिशा में मूवमेंट होता है मतलब एक दिशा निश्चित होती है कि इस दिशा में वर्क होगा या मूवमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट होगा जैसे सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है दिस इज ऑब्जेक्ट दिस इज ए ऑब्जेक्ट और यहां पर ये हमने बताया आपको एस आई यूनिट के बारे में वर्क की क्या एस आई यूनिट होती है एस आई यूनिट इसकी होती है डिफीजन के हिसाब से वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स की यूनिट है ये न्यूटन डिस्प्लेसमेंट की मीटर तो न्यूटन मीटर हो गया इसकी इकाई इसको न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं जूल ही वाज ए साइंटिस्ट उनको सम्मान देने के लिए हमने नैनोमीटर को जूल बोल दिया वन जूल वर्क अगर हुआ है इसका मतलब <coughs> वन न्यूटन फोर्ट लगा है और वन मीटर उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसी को हम कहते हैं वन अब वर्ग जो है ये क्या है जैसे फोर्स की, की एक दिशा होती है फोर्स की एक दिशा होती है डिस्प्लेसमेंट की भी एक दिशा होती है ये भी वेक्टर क्वांटिटी हुई और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई तो वर्ग की यासा यूनिट क्या होना चाहिए वर्ग जो है कैसी क्वांटिटी है वेक्टर होना चाहिए लेकिन वर्क कीजिए स्केलर क्वांटिटी ये आपको समझना बहुत जरूरी है वर्क कीजिए स्केलर क्वांटिटी कैसे जबकि डिफिजन के हिसाब से फोर्स की एक दिशा होती है डिस्प्लेसमेंट अगर होगा मूवमेंट होगा मोशन होगा उसकी भी दिशा होती है तो दिशा वेक्टर हुई फोर्स भी एक दिशा में लगता है ये भी वेक्टर राश हुई तो वर्क को वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए लेकिन वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी है अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमने यहाँ से फोर्ट लगाया वन न्यूटन का इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ये यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया ये वन मीटर तो वर्क डन कितना हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वन नाइनो वन न्यूटन मीटर इसे हम कहते हैं वन जूल यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा है माइनस प्लस का तो यहाँ प्लस माना जाता है तो ये क्या हुआ प्लस हुआ यहाँ पर अब आप देखिए ये फोर्स हम राइट right साइड को लगा रहे हैं राइट right साइड को जैसे आप नंबर लाइन पे लिखते हैं बीच में जीरो होता है इधर प्लस प्लस होते हैं सब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इधर क्या होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री मतलब ये इसको हम मानते हैं प्लस इसको मानते हैं माइनस अब फोर्स जो है हमने आपको बताया था इट में भी पॉजिटिव राइट साइड में है लेफ्ट साइड में भी फोर्स लगता है और निगेटिव होता है अब फोर्स जीरो भी होता है अगर एक दीवार है उसमें आप ताकत लगा रहे हो एनर्जी लगा रहे हो उसको धक्का दे रहे हो लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क क्या हुआ जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क जीरो होगा तो ये प्लस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वन जूल आया वन न्यूटन मीटर हुआ अब मान लीजिए फोर्स इधर से भी लगता है लेफ्ट ये राइट साइड को लगा लेफ्ट साइड को भी लगता है तो क्या होगा माइनस होगा जैसे यहां देखिए वर्क कितना हुआ हमारे ये लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है इधर लेफ्ट साइड को फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स कितना लगा क्योंकि लेफ्ट साइड से है माइनस वन न्यूटन ये माइनस वन मीटर तो वर्क डन माइनस वन मीटर इंटू माइनस वन एन आप गुड़ा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस गुढ़े प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस तो वन नाइनोमीटर हुआ या वन जूल हुआ तो देखिए फोर्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है लेकिन वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है ये राइट साइड को भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और लेफ्ट साइड को भी हो सकता है इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं आप एग्जाम में आ भी सकता है वर्क कीजिए दे दिया ऑप्शन में स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, सम टाइम स्केलर, सम टाइम वेक्टर। तो आपको याद रखना चाहिए कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है ये पॉजिटिव भी होती है निगेटिव भी होती है और जीरो भी होता है तो इस तरह से वर्क के बारे में इतना हमने आपको आज बताया इसको आप अच्छी तरह से वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और अपनी कापी में नोट कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट टाइम पर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह बताएंगे कुछ क्वेश्चन बताएंगे थैंक यू